नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आपके साथ मैं हूं आयुषी प्रधान। राहुल गांधी जी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और यह कहा गया था कि अगला अध्यक्ष कौन होगा और इसको लेके काफ़ी सस्पेंस बरकरार था काफ़ी समय से। और अब जैसा कि सोनिया गांधी जी को दोबारा अध्यक्ष पद की कमान सौंप दी गई है, तो क्या सोनिया गांधी दोबारा से कांग्रेस को जिंदा कर पाएंगी, उस मुकाम तक वापस क्या पहुँचा पाएंगी, इस पर जानेंगे हमारी जनता क्या सोचती है और लेंगे हमारी जनता की राय। जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस बात पे, क्या सोनिया गांधी दोबारा कांग्रेस को उस मुकाम तक पहुंचा सकती है जो पहले कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस? देखिए, एक तो पहले जो इनका अध्यक्ष का खेल चल रहा था, कुछ वो समझ में नहीं आता है, घुमा फिरा के फिर वही बात हुई, परिवार के पास पार्टी पहुंच गई। ठीक है, बीच में राहुल गांधी ने कहा कि मैं अध्यक्ष पद नहीं लूँगा, मोतीलाल वोरा को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया, फिर उनको क्यों हटा दिए लोग, जब अंतरिम अध्यक्ष ही बनाना था तो उन्हीं को चुपचाप रहने दिए होते। लेकिन नहीं, परिवार को चलाना था किसी तरह, कांग्रेस, हाँ कांग्रेस आखिर में चलाना परिवारवादी है, तो अंतरिम अध्यक्ष बन गया। जब तक प्रियंका गांधी या जो भी वाड्रा के बच्चे वगैरह हों वो जब तक तैयार ना हो जाए तब तक के लिए। बाकी कांग्रेस को फिर से जीवित करने की बात है तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से सत्ता, हाँ मोदी सरकार सत्ता पक्ष काम कर रही है, आए दिन फैसले ले रही है, तो उस हिसाब से लग रहा है कि कांग्रेस अभी तो 2024 के बाद भी बीजेपी ही आ रही है, तो कांग्रेस का अगले 10 सालों तक आने का कोई लग नहीं रहा है। जी, जैसे कि सोनिया गांधी जी को दोबारा कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है, तो क्या आपको लगता है कि सोनिया गांधी अब कांग्रेस को बचा लेंगी, जो कांग्रेस का जैसे सफाई हो रही है कांग्रेस की बीजेपी के आने के बाद से, तो आपको क्या लगता है दोबारा सोनिया गांधी पार्टी में जान डाल सकती हैं क्या? नहीं जी, नहीं, फ्लॉप शो है, फ्लॉप शो है, अभी भाई साहब बोल ले तो यार तुम क्या फ्लॉप शो है। देखो सोनिया गांधी जो है ना, देखो मैंने देखा पूरी जो कांग्रेस है ना वो कंसंट्रेटेड है एक ही गांधी फैमिली के पास, वहीं तक सीमित है, दे आर कन्फाइंड विद इन गांधी फैमिली, गांधी के फैमिली बियॉन्ड उसको सोचते ही नहीं, तो ये क्या करेंगी पहले भी। अगर फिर ये है कि अगर ये करेंगे, बात सुनो, अगर बना भी दिया, अगर कोई ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, अगर वैसे तो कोई ऐसा इनका चांस नहीं है, अगर कोई मिनिस्टर बनाते भी ना तो रिमोट कंट्रोल इन्हीं के हाथ में रहता है, रिमोट से चलाते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हो या कुछ भी हो। मनमोहन सिंह जी बेचारे इतने इंटेलिजेंट बंदे थे, इतने अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, मुझे तो हंसी आती है कांग्रेस के ऊपर, आई रियली आई एम पिटी ऑफ कांग्रेस कि वो गांधी फैमिली के अलावा उनको कुछ सोचता ही नहीं है। इतने बंदे हैं, इतने गांधी फैमिली में, सॉरी कांग्रेस के अंदर इतने हैं यंग बंदे हैं, ज्योति सिंधिया है, पायलट है, हाँ और एक दो और भी हैं, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो ये क्या करेंगे, मतलब गांधी फैमिली, मैं तो कह रहा हूँ कि इनको एक्सपेल कर देना चाहिए गांधी। अगर कांग्रेस को अपनी छवि फिर से बनानी है तो गांधी फैमिली जो है दे शुड बी एक्सपेल्ड। जब ये आएंगे एक पाव, जब शायद हो सकता है मोदी के साथ कंपटीशन में थोड़ा आ सकते हैं कुछ हद तक, यही बस मेरा कहना है। आपको क्या लगता है सोनिया गांधी जीरो लेवल से दोबारा शिखर पर पहुंचा के माध्यम से आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आप आए यहाँ पे सीपी में कनॉट प्लेस में, आपका शुक्रिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि शायद मैं भी कांग्रेसी था, मैं कल तक था, आज नहीं हूँ। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, जो कश्मीर का 70 हटी है, 35 हटी है, आज अब मैं नहीं हूँ, मैं तो कट्टर हूँ कांग्रेसी, लेकिन अब मैं नहीं हूँ। नहीं सुनो, मैंने अपने आप को नहीं बदला है, मैं तो वहीं की वहीं खड़ा हूँ। जो बेटा, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि उन्होंने जो करा, मोदी जी ने 370 और 35 हटा के, सोनिया गांधी पे पूछ रहे हैं, क्या दोबारा वो पार्टी का, आपके तीनों जो तीनों नेता हैं, जो जुबान फसल रही है उनकी, जो जुबान फसल रही है कि सत्ता में आने के लिए कुछ भी करेंगे, तीन नेता कौन से हैं, ऐसा थोड़ी होता है। नेता कौन से हैं? राम लक्ष्मण भरत, भरत इसमें लगे हुए हैं, भरत लगे हुए इसमें तो। लेकिन इसके अंदर एक बात याद रखना, मोदी है तो मुमकिन है और राम मंदिर भी आएगा। जी, आपको लगता है कि सोनिया गांधी जीरो लेवल से दोबारा से कांग्रेस को शिखर पे पहुंचा पाएंगी, जो कांग्रेस हुआ करती थी कभी?
देखिए मेरी बात सुनिए, कांग्रेस के पास सोनिया गांधी का नया चेहरा तो है नहीं। सोनिया गांधी जो बहुत पुरानी है, राजीव गांधी की टाइम के, इंदिरा गांधी के टाइम से है, और जितने भी उनके बाकी लोग थे, उनके सहपाठी जितने भी थे, चाहे शीला दीक्षित जैसी थी और भी थे, और अच्छे अच्छे दिग्गजों ने उनको पूरी कोशिश करी है इस बार दिलवाने की। और जिस तरह से यहाँ पे दिल्ली की बात करें, दिल्ली में खड़े हैं, 15 साल शीला दीक्षित जी ने राज करा, उसके बाद भी एक आम आदमी का चेहरा देके लोगों ने उनको बर्खास्त कर दिया। क्या उसको सोनिया गांधी नहीं थी, पकड़ नहीं थी, मनमोहन सिंह जैसों की पकड़ नहीं थी, लेकिन कुल मिला के जनता जान चुकी है कि सोनिया गांधी जी के राज में, राहुल गांधी के टाइम पे जो हुआ है, राजीव गांधी इंदिरा गांधी के टाइम से सिर्फ वंशवाद चलता आया है। और आज इन सब लोगों पर इतने सारे चार्जेस लगे हुए हैं, ये सब लोग बेल पर बाहर हैं, ठीक है। अब आप सोनिया गांधी की बात करते हैं, मैं सोनिया गांधी से ही पूछना चाहता हूँ, आप किस बात का उनके ऊपर वो कर रहे हैं कि वो जीत, मतलब वो जहाँ से खड़ी हुई थी सीट से, कौन सी जगह, अमेठी से, अमेठी की जनता ने उन्हें ठुकरा दिया, अमेठी की जनता ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं करा, तो फिर देश क्यों कर रहा है उन्हें स्वीकार, और किस लिए कर रहा है? ये कुछ हैं बचे कुछ है जो कांग्रेस के कुछ लोगों को उम्मीद है कि कहते हैं ना, जवानी का दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, तो फड़फड़ाहट है और कुछ नहीं है। कांग्रेस मुक्त भारत जो होना है वो होके रहेगा। सोनिया गांधी जी को और कुछ करना था, उनके पास बहुत अच्छा टाइम था, मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे माइंडेड थे, बहुत समझदार थे। अगर सोनिया गांधी जी ने उस टाइम उनका रिमोट कंट्रोल, जैसे भाई साहब ने कहा, रिमोट कंट्रोल सही से यूज करा होता, उनको सेना का मुंह खोल दिया होता, उनको अपने प्रधानमंत्री पद की जो शपथ दिलवाई गई थी, अगर उस पद का उनको बखूबी काम करवा दिया होता, तो मेरा ये मानना था सोनिया गांधी जी का नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी रहती। जनता आज करते के ना, करते की विद्या होती है, जो करता है उसी को सलूट होता है, जो करके दे रहा है, काम करके दे रहा है, जैसे कि मोदी जी की सरकार दे रही है, प्रेजेंट की सरकार, तो जनता बेवकूफ नहीं है, आज जनता जागरूक हो चुकी है। आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, ये आप जैसे मीडिया चैनल वालों ने ही आज जनता को बोलने का मौका दिया है। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा, थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा, और हमारे हिंदुस्तान की मीडिया को, और सेकंडली सबसे बड़ा सलूट मोदी सरकार जो कहना चाहूंगा कि आज उनके होने की वजह से ही आज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर हर एक इंसान अपनी व्यूज रख सकता है, अपनी बात रख सकता है। तो आप बिल्कुल भूल जाइए सोनिया गांधी जी, अब बिल्कुल कांग्रेस मुक्त भारत का सपना लोगों ने देख लिया है। आपने बहुत कमा लिया, बहुत घोटाले कर लिया, आप लोग पे इतने चार्जेस हैं कि अब आप बस तीर्थ स्थान पकड़िए और बस गंगा घाट पे बैठ के अपना राम राम जाप कीजिए और नहीं कर सकते। कांग्रेस की छुट्टी हो चुकी है, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी में ऐसी क्या कमी है जो अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और दोबारा कांग्रेस की अध्यक्ष जो है सोनिया गांधी जी को बनाया गया, क्या कमी है ऐसी राहुल गांधी? ऐसा है कि देखो, हम पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपका चैनल बहुत अच्छा है, चैनल सबसे बड़ी आप ही का चैनल है। और दूसरा ऐसा है कि भाई ये क्या करते हैं कि भाई हमारे को नहीं ले, मतलब अब हमने बोल दिया, जैसे राहुल ने बोल दिया कि मैं नहीं मतलब अध्यक्ष बनूंगा, तो ये थोड़े दिन खातर वो अभी राहुल गांधी ने मना कर दिया है, थोड़े दिन में सोनिया मना कर दी, प्रियंका बन जाएगी, एक दूसरे में बदलते रहेंगे। हाँ, बस किससे फायदा हो रहा है? फायदा इनसे कुछ होना नहीं है, अभी तो जीरो के ऊपर आ गई, क्योंकि देश के खिलाफ, जिस देश का हम नमक खा रहे हैं उसके खिलाफ बोलना हमारा किसी का भी ये बहुत बड़ा अपराध है। तो आपको क्या लगता है कि जीरो से नंबर वन पे दोबारा जा सकती है? नहीं, कोई मतलब ही नहीं है जीरो से एक नंबर पे जाना, तो आज के दिन में कहता हूँ जब तक ये नेहरू गांधी परिवार रहेगा जब तक एक नंबर पे आना बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता है, ये हमेशा जीरो के ऊपर रहेंगे। सीट इनकी बढ़े नहीं, अब तो बिल्कुल एक आधी भी नहीं आएगी, क्योंकि इन्होंने काम ऐसे किए, देश के खिलाफ कभी नहीं बोलना चाहिए, अगर ये खिलाफ नहीं बोलते, अगर इसमें सपोर्ट कर देते तब तो इनकी सीट बढ़ सकती थी, तब हम इसके लिए बोल सकते हैं कि इनकी बढ़ती सीट, लेकिन इन्होंने अपनी कुल्हाड़ी मारी है खुद पैर के ऊपर। तब पहले भी कुल्हाड़ी मारी थी जब इन्होंने मतलब किया था पाकिस्तान में जाके, मतलब जो वो जो हमला किया था, तो उसी में भी इन्होंने हमारे देश के खिलाफ ही बोले थे कि वो कैसे मारा, क्यों मारा, तो उसी से उनकी सीट डाउन हुई। यानी कि अब कांग्रेस दोबारा नहीं आ सकती। अभी जैसा कि सोनिया गांधी जी को दोबारा से पार्टी की कमान सौंप दी गई है, अध्यक्ष बना दिया गया है, तो आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इस पे कि क्या कांग्रेस में दोबारा जान आ सकती है? जो कांग्रेस पहले थी, जो पहचान थी कांग्रेस की, कोई नहीं था उसके सामने, क्या दोबारा ऐसा देखने को मिल सकता है? बहन जी, सच्चाई तो ये है कि पहला जो जमाना था ना, वो अब चेंज हो गया। पहले एक घर के अंदर बुजुर्ग कह दिया करता था अपने परिवार में, ये वोट कांग्रेस को डाल दो, तो लोग एक आदमी के व्यक्ति के कहने से वोट डाल दिया करते थे।
इंटरनेट का जमाना है, युवा बहुत एक्टिव है, उनको देश चाहिए, ये अब इनकी भूल है, ये इनकी बहुत बड़ी गलती होगी यदि ये सोच रहे हो हिंदुस्तान में राज कर लेंगे। अब इनकी तो ये हवा गई, क्योंकि सच्चाई ये है कि ये तो देशद्रोही है, सच पूछो तो। अब क्यों है देशद्रोही? ये इसलिए इन्होंने कभी देश के विषय में सोचा नहीं, ये तो दुनिया, इन्होंने सुनो, ये देश के विषय में सोचेंगे नहीं, ये बहुत बड़े घोटालेबाज हैं। और सच में बताऊं कि ये तो एक अवतार देश के लिए है नरेंद्र मोदी, और आने वाले फ्यूचर्स के लिए मैं बता रहा हूं, ये देश इतना स्ट्रांग हो जाएगा। आप एक बात बताओ, वर्ल्ड की सबसे बड़ी शक्ति इजराइल, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन आज आपके साथ में खड़े हैं, आपसे पहले थे, कोई भी साथ में नहीं था। अब तो सीधा सिद्धांत है, अब ये भूल जाए, अब जो आदमी देश के में प्रधानमंत्री के सपने देख रहा है वो एक देश का प्रधान नहीं बन, गांव का प्रधान नहीं बन सकता। अब ये छोड़ दो, कांग्रेस तो अब जीवन में आ ही नहीं सकती, ये गारंटी है। ये थी हमारी जनता की राय कि कांग्रेस का जो जमाना है वो जा चुका है और अब वो शायद ही आ पाए कभी। आपकी राय क्या है इस पे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।